वेरी गुड मॉर्निंग क्लास एट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 2 साइकिल की सवारी। तो चलिए पहले इसका हम ऊपर संस्मरण पढ़ते हैं। प्रस्तुत संस्मरण के लेखक सुदर्शन जी का जन्म। कौन है इसके लेखक? सुदर्शन जी, जिनका जन्म जो है वो 1896 ईस्वी में पंजाब राज्य के सियालकोट पाकिस्तान नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म सुदर्शन जी का? 1896 ईस्वी में पंजाब राज्य के सियालकोट पाकिस्तान नामक स्थान पर, सियालकोट नामक स्थान पर हुआ था जो कि पाकिस्तान में है। बचपन से कहानियाँ लिखने के शौकीन सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। इनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था? बद्रीनाथ शर्मा था। और ये बचपन से ही कहानियाँ हैं लिखने के जो शौकीन थे। पुष्पलता, सुप्रभा, पनघट और भागवंती जैसी रचनाओं के रचयिता का देहावसान सन 16 दिसंबर 1967 ईस्वी को हुआ था। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने व्यंगात्मक भाषा का प्रयोग करके भी मन की व्यथा का बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है। उन्होंने क्या है कि व्यंगात्मक भाषा का जो प्रयोग किया है और मन की व्यथा का बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है। चैप्टर का नाम है बच्चों साइकिल की सवारी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम। ईश्वर ही जानता है कि जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करते या हारमोनियम बजाते हुए देखता हूँ तब मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती थी। वो लेखक कह रहे हैं कि ईश्वर ही जानता है, भगवान ही जानता है कि जब मैं किसी को साइकिल चलाते हुए या किसी को हारमोनियम बजाते हुए देखता हूँ तो मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती है। सोचता हूँ भगवान ने ये दो विद्याएं भी खूब बनाई हैं। मैं क्या सोचते हैं लेखक कि भगवान ने ये जो दो विद्याएं हैं ये भी क्या खूब बनाई हैं। एक से समय बचता है और दूसरी से समय कटता है। एक से क्या है? समय बचता है। किससे बचता है? साइकिल से, साइकिल की सवारी से जो है वो समय बचता है। अगर कहीं हमें जाना है तो साइकिल से जा सकते हैं। और दूसरी से समय कटता है, और दूसरा मतलब हारमोनियम बजाने से जो है वो समय कटता है। मगर तमाशा देखिए हमारे भाग्य में कलयुग की ये दोनों विद्याएं नहीं लिखी हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि मगर तमाशा देखिए कि हमारे भाग्य में कलयुग की जो ये दोनों विद्याएँ ये दोनों ही नहीं लिखी है। ना साइकिल चला सकते हैं, ना बाजा ही बजा सकते हैं। कभी लेखक कह रहे हैं कि ना ही साइकिल चला सकते हैं और ना ही हम बाजा बजा सकते हैं। पता नहीं कब से यह धारणा हमारे मन में बैठ गई। कभी लेखक कह रहे हैं कि पता नहीं कब से ये इस तरह की धारणा हमारे मन में बैठ गई, हम सब कुछ कर सकते हैं। लेखक कह रहे हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं मगर ये दोनों काम नहीं कर सकते। हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन ये दोनों काम हम जो है वो नहीं कर सकते। शायद सन 1942 ईस्वी की बात है। बैठे बैठे विचार आया, क्या कह रहे हैं लेखक कि अब बैठे बैठे विचार आ गया, चलो साइकिल चलाना सीख लें। और इसकी शुरुआत यूँ हुई। वो कहते हैं लेखक बैठे बैठे सोचते हैं कि चलो साइकिल चलाना सीख लें, और उसकी शुरुआत ऐसे हुई कि हमारे लड़के ने, वो कह रहे हैं लेखक कि हमारे लड़के ने चुपचाप ही यह विद्या सीख ली और हमारे सामने से सवार होकर निकलने लगा। हमारे लड़के ने चुपचाप से ही साइकिल चलाना सीख ली और अचानक एक दिन वो हमारे सामने ही साइकिल पर सवार होकर निकलने लगा। अब आपसे क्या कहें, अब वो कह रहे हैं आपसे क्या कहें, लज्जा और शर्म के कैसे कैसे विचार हमारे मन में उठे। अब वो लेखक कह रहे हैं कि हम आपसे क्या कहें कि हमारे मन में लज्जा के, शर्म के कैसे कैसे विचार आने शुरू हो गए। सोचा क्या हम ही जमाने भर में फिसड्डी रह गए। अब लेखक कह रहे हैं कि हम फिर ये सोचने लगे कि पूरे जमाने भर में क्या हम ही हैं जो फिसड्डी रह गए हैं, जो पीछे रह गए हैं। सारी दुनिया चलाती है, जरा जरा से लड़के चलाते हैं, मूर्ख और गवार चलाते हैं। लेखक कह रहे हैं सभी लोग चलाते हैं, जरा जरा से बच्चे लड़के चलाते हैं, मूर्ख व्यक्ति भी चलाते, गवार भी, पर हम तो परमात्मा की कृपा से पढ़े लिखे हैं। वो कहते हैं कि पर हम तो जो है वो परमात्मा की, परमपिता परमात्मा की जो कृपा है उससे हम कम से कम पढ़े लिखे हैं।
क्या हम ही नहीं चला सकेंगे? वो कह रहे हैं कि क्या हम ही नहीं चला सकेंगे, आखिर इसमें मुश्किल क्या है? वो लेखक कहते हैं, आखिर इसमें साइकिल चलाने में जो है वो मुश्किल क्या है? कूद कर चढ़ गए और ताबड़तोड़ पाँव मारने लगे। अब वो कहते हैं कूद कर साइकिल पे चढ़ जाओ और ताबड़तोड़ जो है वो पैर मारना शुरू कर दो। और जब हमने देखा कि कोई राह में खड़ा है तब टनाटन करके घंटी बजा दी। अब वो लेखक कह रहे हैं अगर हम ये देखें कि रास्ते में कोई खड़ा है तो क्या करेंगे? तो हम तब टनाटन करके घंटी बजा देंगे राह में अगर कोई खड़ा है तो। ना हटा तो क्रोधपूर्ण नेत्रों से उसकी तरफ देखते हुए निकल जाएंगे। अब लेखक कह रहे हैं अगर नहीं हटा घंटी बजाने के बाद भी तो हम जो है वो क्रोधपूर्ण गुस्से भरी नज़रों से उसको देखते हुए निकल जाएंगे। बस यही तो सारा गुण है। वो कहते हैं बस साइकिल चलाने में यही तो गुण है और क्या है, इस लोहे की सवारी का कुछ ही दिनों में सीख लेंगे। अब लेखक कह रहे हैं कि हम कुछ ही दिनों में जो है वो सीख लेंगे। हमने निश्चय कर लिया कि, वो लेखक कह रहे हैं कि हमने जो है वो निश्चय कर लिया है कि चाहे जो हो जाए परवाह नहीं। वो कहते हैं चाहे जो भी कुछ हो जाए हमें परवाह नहीं। दूसरे दिन हमने अपने फटे पुराने कपड़े तलाश किए और उन्हें लेकर श्रीमती जी के सामने पटक दिया कि ज़रा इनकी मरम्मत कर दो। अब दूसरे दिन लेखक कह रहे हैं कि हमने क्या करा, अपने फटे पुराने कपड़ों को देखा ढूंढा और अपनी श्रीमती जी अपनी पत्नी के सामने ले जाके पटक दिए कि तुम इन कपड़ों की जो है वो मरम्मत कर दो। श्रीमती जी ने हमारी तरफ अचरज भरी दृष्टि से देखा और कहा। श्रीमती जी ने अब क्या कर, अचरज भरी आश्चर्य भरी जो दृष्टि होती है नज़र होती है उससे हमारी तरफ देखा और कहा कपड़ों में अब जान ही कहाँ जो मरम्मत करूँ। वो बोलती हैं कि इन कपड़ों में अब जान ही कहाँ बची है जो मैं इन कपड़ों की मरम्मत करूँ। ये तो फेंक दिए थे आप कहाँ से उठा लाए? वो कहती हैं उनकी श्रीमती जी कि ये कपड़े तो मैंने फेंक दिए थे, आप इनको कहाँ से उठा कर लाए हैं? वहीं जाकर डालाइए, इन फटे पुराने कपड़ों को जहाँ से आप लाए हैं वहीं पर फेंक आइए। हमने मुस्कुराकर श्रीमती जी की तरफ देखा और कहा। अब लेखक कह रहे हैं कि हमने जो है वो मुस्कुराकर मुस्कुराहट भरी नज़रों से अपनी पत्नी की तरफ देखा और बोला तुम हर समय बहस ना किया करो। वो बोलते हैं कि तुम हर समय बहस मत किया करो, आखिर मैं इन्हें ढूंढ ढांड कर लाया हूँ। वो कहते हैं लेखक कि मैं इनको ढूंढ ढांड कर ही लाया हूँ, तो ऐसे ही तो नहीं उठा लाया। वो कहते हैं कि मैं ऐसे ही तो उठा के लाया नहीं, कृपा करके इनकी मरम्मत कर डालो। अब वो कहते हैं कि कृपा करके इनकी मरम्मत कर डालो। मगर श्रीमती जी बोली पहले बताओ इनका क्या बनेगा। फिर श्रीमती जी बोली लेकिन तुम पहले ये बताओ तुम इनका करोगे क्या? हम चाहते थे कि घर में किसी को कानो कान खबर ना हो और हम साइकिल सवार बन जाएं। लेखक कह रहे हैं कि हम चाहते थे कि घर में किसी को भी कुछ पता ना चले और हम साइकिल चलाना सीख जाएं। इसके अतिरिक्त बाद में जब विद्या के पंडित हो जाएंगे तब एक दिन जहांगीर के मकबरे जाने का निश्चय करेंगे। तब क्या करेंगे, एक दिन जहांगीर के मकबरे जाने का निश्चय कर लेंगे जब हम इसको विद्या का अच्छी तरह से पंडित हो जाएंगे, मतलब साइकिल चलाना अच्छी तरह से सीख जाएंगे। तब घर वालों को तांगे में बिठा दें और कहें तुम चलो हम दूसरे तांगे में आते हैं। घर वालों को तांगे में बिठा देंगे और कहेंगे तुम लोग चलो हम दूसरे तांगे में आते हैं। जब वे चले जाएं तब साइकिल पर सवार होकर उनको रास्ते में मिले। अब वो खुश हो रहे हैं सोच के कि जब हम अपने घर वालों को तांगे में बिठा के भेज देंगे तब हम दूसरे तांगे में तो जाएंगे नहीं, हम अपनी साइकिल पर सवार होकर रास्ते में उनको मिलें। हमें साइकिल पर सवार देखकर उन लोगों की क्या हालत होगी? वो कहते हैं लेखक कि हमें साइकिल चलाता हुआ देखकर उन लोगों की क्या हालत होगी, हैरान हो जाएंगे, आंखें मल मल कर देखेंगे कि कहीं कोई और तो नहीं। वो कह रहे हैं कि घर वाले जो हैं वो हैरान हो जाएंगे, हैरानी भरी नज़रों से देखेंगे, आंखें मल मल कर बार बार देखेंगे कि कहीं ये कोई और तो नहीं है, हमने किसी और को तो नहीं देख लिया। परंतु हम गर्दन टेढ़ी करके दूसरी तरफ देखने लग जाएंगे। परंतु हम क्या करेंगे, अपनी गर्दन को घुमाकर दूसरी तरफ देखने लग जाएंगे जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं, और हम ऐसा करेंगे जैसे हमें तो कुछ पता ही नहीं है, जैसे यह सवारी हमारे लिए साधारण बात है कि जैसे जो तांगे पर जो लोग जा रहे हैं उन्हें हम पहचान के भी वो कर देंगे कि मतलब हम इनको जानते ही नहीं हैं।
झक मार कर बताना पड़ा कि रोज़ रोज़ तांगे का खर्चा मारे डालता है। अब वो कह रहे हैं अपनी पत्नी को, झक मार कर मुझे बताना पड़ गया कि रोज़ रोज़ तांगे का जो खर्चा है वो मारे डालता है। साइकिल चलाना सीखेंगे श्रीमती जी, साइकिल चलाना सीखेंगे, साइकिल चलाना सीखेंगे। श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाते हुए हमारी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोली। अब वो कह रहे हैं साइकिल चलाना सीखेंगे, मतलब तांगे का खर्चा जो है वो मारे डालता है। तब श्रीमती जी ने अपने बच्चों को सुलाते हुए मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोली, मुझे तो आशा नहीं। वो कहती है मुझे तो आशा नहीं, खैर यत्न करके देखिए। अब उनकी पत्नी है वो कह रही है, मुझे तो आपसे कोई उम्मीद ही नहीं है कि आप सीख पाएंगे, फिर भी आप अगर चाहते हैं तो कोशिश करके देख लीजिए, मगर कपड़ों का क्या बनेगा। वो कहती हैं उनकी पत्नी के, मगर इन कपड़ों का क्या बनेगा, हमने ज़रा रौब से कहा। अब वो लेखक कह रहे हैं, हमने अपनी पत्नी से ज़रा रौब से कहा, आखिर साइकिल से एक या दो बार गिरेंगे या नहीं। अब वो कह रहे हैं कि हमने रौब से बोल दिया कि हम साइकिल से एक दो बार तो गिरेंगे ही, और गिरने पर कपड़े फटेंगे या नहीं, मतलब और अगर हम गिर गए तो कपड़े तो फटेंगे ही फटेंगे। जो मूर्ख है वे नए कपड़ों का नुकसान कर बैठते हैं, वो मूर्ख हैं जो साइकिल चलाने सीखने में नए कपड़े पहनकर सीखते हैं, जो बुद्धिमान है वे पुराने कपड़ों से काम चलाते हैं। मतलब लेखक अपने आप को बुद्धिमान बता रहे हैं कि हम तो पुराने कपड़ों में ही साइकिल चलाना सीखेंगे। मालूम होता है हमारी इस युक्ति का हमारी पत्नी के पास कोई जवाब नहीं था। अब लेखक कह रहे हैं कि हमें ऐसा लगने लगा कि हमने जो भी उनको तर्क दिए हैं उसका उनके पास कोई भी जवाब नहीं था, क्योंकि जो उन्होंने उसी समय मशीन मंगवा कर उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी, क्योंकि उन्होंने तुरंत उसी समय मशीन मंगवा कर जो है वो उन कपड़ों की मरम्मत सिलाई उलाई शुरू कर दी। इधर हमने बाज़ार से मरहम के दो डब्बे खरीद लिए। अब वो लेखक कह रहे हैं कि इधर हमने भी बाज़ार से जाकर मरहम के जो है वो दो डब्बे खरीद लिए कि चोट लगने पर उसका उसी समय इलाज किया जा सके। मतलब अभी साइकिल चलाना सीखी नहीं है और उसकी तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी। वो मरहम का डब्बा भी खरीद लाए ताकि अगर हम कहीं वो लेखक गिर गए तो उनको चोट लगेगी, तब वे उसका तुरंत ही इलाज कर सकेंगे। इसके बाद जाकर एक खुला मैदान तलाश किया। अब इसके बाद जाकर उन्होंने एक खुला मैदान तलाश किया ताकि दूसरे दिन से साइकिल सवारी का अभ्यास किया जा सके, ताकि दूसरे ही दिन से जो है वो साइकिल चलाने की सवारी का अभ्यास करें। अब यह सवाल हमारे सामने था कि अपना उस्ताद किसे बनाएं। अब वो कह रहे हैं कि अब एक सवाल फिर एक मन में आया कि अपना उस्ताद किसे बनाएं। इसी उधेड़ बुन में बैठे थे कि तिवारी लक्ष्मी नारायण आ गए और बोले। इसी उधेड़ बुन में, मतलब यही सोच विचार में हम बैठे थे लेखक, कि इतने में ही एक जो है वो तिवारी लक्ष्मी नारायण जी वो आ गए और बोले, क्यों भाई हो जाए एक बाजी शतरंज की। वो कहते हैं, क्यों भाई आज एक बाजी शतरंज की हो जाए। हमने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं साहब आज तो जी नहीं चाहता। अब वो कह रहे हैं कि हमने अपना सिर ना में हिला के उनसे कहा कि आज तो हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है। तो वो कहते हैं, क्यों यदि जी ना चाहे तो क्या करें। वो कह रहे हैं लेखक कि यदि जी ना चाहे तो हम क्या करें। यह कहते कहते हमारा गला भर आया। अब वो कहते हैं लेखक कि ये सब कहते कहते हमारा गला भर आया, तिवारी जी का दिल पसीज गया। तिवारी जी तो उनका दिल पसीज गया, हमारे पास बैठ कर बोले। अब वो जो है तिवारी जी लक्ष्मी नारायण वो हमारे पास बैठ गए और बोले, अरे भाई मामला क्या है। अब वो जो है वो लेखक से कहते हैं कि भाई मामला क्या है, पत्नी से झगड़ा तो नहीं हो गया। वो कहते हैं कि क्या आपकी पत्नी से आपका झगड़ा तो नहीं हो गया। हमने कहा, तिवारी भैया क्या कहें सोचा था। वो कह रहे हैं कि तिवारी भैया क्या कहें सोचा था, लाओ साइकिल की सवारी सीख लें। अब वो जो कह रहे हैं कि हम ये सोच रहे थे कि साइकिल की सवारी सीख लें, मगर अब कोई ऐसा आदमी दिखाई नहीं देता जो हमारी सहायता करे। वो कह रहे हैं हमें कोई भी ऐसा आदमी दिखाई नहीं दे रहा, नहीं मिल रहा जो हमारी सहायता करे, जो हमारी साइकिल सीखने में मदद कर सके। कोई ऐसा आदमी तुम्हारे ख्याल में, वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा आदमी तुम्हारे ख्याल में। तिवारी जी ने हमारी तरफ बेबसी की आंखों से ऐसे देखा
मानो हमको खजाना मिल रहा हो। तिवारी जी ने हमारी तरफ इस तरह से देखा बेबसी आँखों से कि जैसे को मानो हमें खजाना मिल रहा हो। तो बच्चों, हिंदी लिटरेचर का क्लास 8 आपका ये चैप्टर 2 साइकिल की सवारी का आज हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है। कल हम आपको इसका सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे, तो आप अच्छे से इसको रीड करिए। आपको जो भी नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।